इकोनॉमी फॉर मेंस में अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ये है कंपनीज लॉ एंड सीएसआर को लेके, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लॉ अमेंड हुआ था, कंपनीज एक्ट अमेंड हुआ था और 2013 में, उसमें कहा गया था कि कुछ कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कंपनीज जिनको अपने 2% ऑफ प्रॉफिट्स का 2% ऐसे हर एक कंपनी को नहीं, किसी किसी टाइप की कंपनीज को था, वो हमारे लिए भी चलो थोड़ा सा भी इतना काम की बात नहीं है, तो उनको अपने 2% प्रॉफिट्स का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लगाना था। तो यहाँ पर हम उसके बारे में क्या एक स्पेसिफिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अब मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल्स, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल्स का मतलब क्या हुआ, ये आपको क्वेश्चन एथिक्स में भी पूछ सकते हैं कि हमने जब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी तो यहाँ पर हमारी बात क्या थी कि कंपनीज की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉर्पोरेट्स की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी समाज भलाई के लिए काम करना चाहिए, तो उनको स्कूल्स खोलने चाहिए, अस्पताल खोलने चाहिए एटसेट्रा, स्किल्स प्रोवाइड करनी चाहिए, तो ताकि समाज काफ़ी इक्वल बन सके, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अच्छे से निभाएं कॉर्पोरेट्स। तो ठीक है जी, कुछ उनको मींस सजेस्ट किए गए, आप ये रास्ते अपनाओ तो हम ये वाली कुछ मंजिल पर पहुंच जाएंगे, ठीक है मींस। तो लेकिन कंपनीज ने क्या कहा, कंपनी सिर्फ एंड्स पे फोकस कर रही है कि सरकार ने हमें जो कहा था हम वो कर देंगे, रास्ता क्या है क्या नहीं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहा, ठीक है। तो ये हम मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल्स की बात यहाँ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है और ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2 बार और दोनों बार ऐसा था कि बहुत ही पेचीदा सवाल बन के निकला कि कंपनीज एंड सीएसआर। तो यहाँ पर हम बात करें कि इसमें अगर क्विकली अगर आप चाहते हो थोड़ा सा अपने इसमें फैक्ट डालना, तो सेक्शन 135 है कंपनीज एक्ट 2013 का, जहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है एंड वहाँ पे किसी किसी टाइप की कंपनी को 2% प्रॉफिट्स, जिनके जैसे लेट्स से कुछ टर्नओवर एक वैल्यू से ऊपर है एंड इतने साल से ऑपरेशन में है या प्रॉफिट एक वैल्यू के ऊपर है, उनको 2% अपने प्रॉफिट का समाज के कामों में लगाना है। और रादर आपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वेन डायग्राम से बहुत बढ़िया समझा सकते हो, कैसे, तीन गोले बनाओ जैसे आप बनाते हो वेन डायग्राम, ठीक है जी। एक को नाम दो, यहाँ पे मैं बताता हूँ कौन से, एक को नाम दो पीपल, जैसे लोगों की बात हो रही है, एक को नाम दो प्लानेट, ठीक है जी, एंड एक को नाम दो प्रॉफिट्स। वो कह रहे हैं जहाँ पे लोग पृथ्वी एंड प्रॉफिट्स मिले वो वाली चीज़ क्या है, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज CSR। इसको ढंग से साफ सुथरा बनाओ, CSR बहुत ढंग से डिपिक्ट कर सकते हो, अच्छा रिप्रेजेंटेशन है CSR की। तो ये आपने CSR की कुछ इंट्रोडक्शन दी आपने, उसके बाद आपने बताना है कि क्या रोल्स मिसअंडरस्टूड कैसे हो गए। सरकार ने काफ़ी अच्छे नीयत से ये लॉ बनाया था कि कंपनीज कुछ असर देश के लिए समाज के लिए अच्छा करेंगी एंड अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट्स दैट दे मेक, तो लेकिन क्या हुआ वहाँ पर कि रोल्स मिसअंडरस्टूड कैसे हैं, कि पहली बात कंपनीज, देखो सरकार ने भी कहते कुछ गवर्नमेंट ने कुछ रोल्स मिसअंडरस्टैंड किए, कुछ कॉर्पोरेट्स ने रोल मिसअंडरस्टैंड किए। पहला गवर्नमेंट की थोड़ी मिस्टेक वाली बात बता रहा हूँ आपको मैं, कि कंपनीज की कुछ एक्सपर्टीज होती है, CSR उन पर बर्डन के जैसे बनकर आया। जैसे मान लो कि मेरी एक्सपर्टीज़ है गाड़ियाँ बनाना, मैं टाटा में काम करता हूँ और टाटा हूँ मैं, तो मेरी एक्सपर्टीज़ गाड़ियाँ बनाना या फिर लेट्स से ऑटोमोबाइल्स बनाना जो भी है, तो मेरे को आपने बोल दिया कि स्कूल चलाओ अस्पताल चलाओ, ये मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज बर्डन मेरे लिए बना दिया, वो काम करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल्स है। देन उसके बाद कि एक इसमें CSR में एक प्रोविजन है कि अगर आपने ऐसे स्कूल अस्पताल वगैरह कुछ नहीं चलाने, आप प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जो आपका प्रॉफिट हुआ अपने आप सरकार जो करना है करती रहेगी। तो ये तो पर्पज ही डिफीट करता है कि समाज के लिए कुछ अच्छा करो ना करो। हाँ ठीक है, PM रिलीफ फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करना अच्छी बात है, लेकिन ये इसलिए थोड़ी ना बनाया गया था, PM रिलीफ फंड में तो कॉन्ट्रीब्यूट आप और तरह से भी करवा सकते हो, या फिर सरकार कोअर्सिव हो रही है, ज़बरदस्ती कर रही है कि आप CSR के थ्रू यहाँ पे करो। तो जो भी है, हमारा CSR का पर्पज़ क्या था, जनता की भलाई करना, वो नहीं होता नज़र आता हमें PM रिलीफ फंड से। देन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में एक्ट ये ऐड करता है, एक तरह से देखें तो 2% टैक्स और बढ़ गया, कि कंपनी अपने लिए तो नहीं रख सकती प्रॉफिट 2%, कंपनी को किसी और चीज पर लगाना पड़ेगा, तो 2% कंपनी पर टैक्स के जैसे ही नजर आता है। और ये करप्शन का एवेन्यू भी बनके निकला। करप्शन का एवेन्यू बनके कैसे निकला, कि अगर लेट्स से मेरी कोई इंस्पेक्शन करने आया कि आपने 2% लगाया कि नहीं लगाया, मैं बोलूंगा मैंने हाँ लगा दिया, लेकिन कहेंगे हाँ दिखाओ, जब देखने आया मैंने तो लगाया नहीं हुआ था 2% स्कूल कॉलेज वगैरह हॉस्पिटल्स में, तो मैंने उनको क्या किया, जो ऑफिसर्स देखने आए मेरे पास एवेन्यू आ गया, उनको मैं अगर पैसे देके मना लूं कि हाँ जी देखो बोल देना आप मैंने लगा दिया, तो मान लेंगे वो, तो करप्शन का एवेन्यू। एंड देन
ये सरकार का भी लगता है कि सरकार अपने डेवलपमेंट वर्क्स, जो डेवलपमेंट वर्क्स की सरकार पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे सरकार थोड़ा पल्ला झाड़ रही है, कंपनीज को बोल रही है आप डेवलपमेंट करो, हमसे तो नहीं हो रही, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल्स है। देन क्विकली थोड़े से और पॉइंट ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, देन कि CSR अपने आप में एंड बन गया है, मीन्स तो रहा ही नहीं, जैसे हमने देखा पीछे, और इमेज इंप्रूविंग एक्सरसाइज बना दी है। जैसे बहुत सारे केसेस अखबार में आते हैं कि अपने जैसे कुछ कॉपीज रजिस्टर्स बच्चों में बांटे हैं CSR के चलते, तो लेकिन क्या किया, उस पर अपनी फोटो चिपकाई हुई है कि गिवन बाय दिस कंपनी दैट कंपनी, एंड उसमें पेजेस कम है और रजिस्टर पे फोटो ज़्यादा बड़ी है, तो ऐसे बोलते हैं कि इमेज इंप्रूविंग एक्सरसाइज ही बना दी है, पेन दिए और पेन पे अपनी फोटो चिपकाई हुई है, अपनी बड़ी सी फोटो, तो वो थोड़ा सा इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं अखबार कि इमेज इंप्रूविंग एक्सरसाइज बना दी है आपने, आपने एक एडवर्टिजमेंट का जरिया बना दिया है इसको अपना, आप समाज के लिए थोड़ा सा कम काम कर रहे हो। एंड देन जो CSR बीइंग मेड टू फिट इन द एम्बिट्स ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, जो कंपनी करती आ रही है कंपनी के ऑपरेशन में ही फिट कर दिया गया, कि जैसे लेट से अगर मेरा काम कुछ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वाला है, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वाले ने अपने ही तरह का ही कुछ काम लगा दिया, कुछ काम शुरू कर दिया सिमिलर सा, जहाँ पे उसका ही काम, जो भी ऑफिस में बंदे काम करते थे उन्हीं से ही कुछ भुगतान हो जाए CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ही, एंड एक्स्ट्रा कुछ मुझे एफर्ट ना करना पड़े। और उसके बाद एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म हमने देखा, जो भी पॉइंट्स हैं बहुत सारे आपको जो भी दिमाग में रह जाएं, कि यहाँ पे तो पॉइंट हम 8-10 लिखते हैं, पेपर में 4-5 भी रिप्रोड्यूस हो जाए गनीमत होती है। एंड उसके बाद क्लैरिटी की कमी है, कि लेट्स से मैं पहले कोई काम करता आ रहा हूँ, मान लो कि मैं विधवा आश्रम चला रहा हूँ, मेरी कंपनी चलाती है, तो लेकिन ये CSR की जो लिस्ट आई है कि ये काम कर सकते हो आप, CSR कहलाएगा वो, उसमें विधवा आश्रम चलाना नहीं लिखा हुआ, तो क्या होगा, क्या मैं अपना CSR करना बंद कर दूं जो सरकार कह रही है वो करूं, तो उस पर थोड़ी क्लैरिटी नहीं है कि लेट्स से अगर मैं ऑलरेडी कुछ काम कर रहा हूं तो उस पर क्या होगा। एंड व्हाट इफ व्हाट एवर द कंपनी इज डूइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट CSR इन द रूल बुक्स। एंड उसके बाद ये तो अपना तो बेसिक सा सवाल था, आपने इसमें कुछ वे अहेड भी सजेस्ट कर सकते हैं कि सरकार क्या कर सकती है। एंड एक यहाँ पर मैंने इसको क्वेश्चन को मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पर लास्ट में, आपने मुझे बताना है कि सरकार CSR, अभी सेबी ने रिसेंटली गाइडलाइंस इशू करी हैं, आपने वो थोड़ा नेट चलाओ, थोड़ा सा रिसर्च करो, क्योंकि विद टाइम मैं चाह रहा हूँ कि इवन जो लोगों का अभी अगले साल मेंस है वो थोड़ा खुद को प्रिपेयर करना शुरू करें। आपने मुझे बताना है यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट क्या करे कि CSR और जो कंपनीज अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं, या फिर मैं कहूँ मीन्स कि सही जरिया अपनाएं जिससे सही एंड अचीव हो, ठीक है, CSR अपने आप में एंड ना रहे, मींस भी सही रहे, जरिया भी सही रहे। तो ठीक है, आपने मुझे ये बताना कि ऐसा कैसे हो सकता है, वे अहेड सजेस्ट करना है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल्स ठीक हो जाए, ठीक है दोस्तों, तो आपने ये मुझे बताना है। तो अगला हम जो क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन है, इट इज़ अबाउट इंडियाज स्टैंड इन WTO, कि WTO में इंडिया का स्टैंड बदलता है, चेंजिंग है, या फिर बिल्कुल वही चलता आ रहा है, सदियों से वही चलता जा रहा है, ठीक है जी, पिछले 20 सालों में, ठीक है, 20 ईयर्स में। तो ये हम अगला क्वेश्चन करेंगे, अब बाकी मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।